हेलो एवरीवन, आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम जानेंगे योग दिवस का आयोजन किया जाना है। 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है, तो योगा का क्या अर्थ है, क्यों 21 जून को मनाया जाता है, ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में हम जानेंगे। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। योग एक ऐसी विधा है, ऐसा विज्ञान है जो कि संतुलन को लेके आता है। आज के समय में टेंशन तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये ना सिर्फ हमें शारीरिक फायदा देता है, हमारा शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, बल्कि इससे हमारा मानसिक आध्यात्मिक रूप से भी संतुलन बना रहता है। क्योंकि योग तो समत्व को कहते हैं, जो बैलेंस होता है मन और शरीर का, जो बैलेंस है वह योग है। हरियाणा एक पहला राज्य है जिसके अंदर की योग आयोग की स्थापना की गई है, तो ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है। और योग आयोग के लगातार प्रयत्न से ही बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले 21 जून 2017 को योग दिवस मनाया गया था, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो अनुरोध पर, जो यूएन के 170 देशों ने इसमें सहमति जाहिर की, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता रहा है। हर साल इसमें करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। प्रथम वर्ष 1 करोड़ के आसपास लोगों ने यह किया, और 2021 में तो अकेले भारत में ही 13 करोड़ लोगों ने योग किया। तो ये एक किसी धर्म जाति से परे होकर एक ऐसी विधा है जिसको हर कोई अपना रहा है। यह संपूर्ण स्वास्थ्य है, इसमें मन का शरीर का सब एक स्वास्थ्य की तरफ जाता है, अध्यात्म है। लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उससे सिर्फ शारीरिक संतुलन बढ़ता है। एक स्टडी हुई एम्स के अंदर, उसमें देखा गया एक तरफ लोग थे जो कि जिम से हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे थे, दूसरी तरफ जो प्रतिदिन योगा कर रहे थे। तो दोनों में ये ऑब्जर्व किया गया कि जो डेली जिम जा रहे हैं उनके फिजिकल पैरामीटर्स को देखा गया, शारीरिक उनको देखा गया, तो देखा गया कि दोनों के लगभग इक्वल थे। लेकिन जब उनके मानसिक पैरामीटर्स को देखा गया तो जो डेली जिम जा रहा था व्यक्ति, उसके शरीर में रज गुण की वृद्धि हुई। हमारे मन में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व जो होता है सात्विक गुण लिए होता है, रज जो होता है एग्रीवेटेड वाला गुण होता है, तम जो होता है डाउन फीलिंग वाला होता है। तो जो डेली जिम जाता है उसमें रजस गुण की कंपैरेटिवली वृद्धि हुई, और जो डेली योगा अभ्यास कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, उसमें देखा गया सत्व गुण की वृद्धि है। तो यह मानसिक लेवल पे भी काम करता है, फिजिकली तो आपको बेनिफिट होते ही हैं। आजकल हर कोई वेट लॉस के पीछे जा रहा है, कैलोरीज बर्न करनी है। पहले तो फास्ट फूड खाए जाते हैं, उसके बाद फिर कैलोरीज बर्न करने की चिंता हर किसी को रहती है। तो योगा से आपको वेट लॉस और जो भी अन्य लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है उनसे तो राहत मिलती ही है, बल्कि आपके मानसिक लेवल पे आपको टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, आपका प्रोफेशनल वर्कलोड ज़्यादा है, तो उन सब से भी निजात मिलती है। यह तो एक बिना खर्च के, बिना दवा के और होने वाला इलाज है। ना सिर्फ रोगी कर सकता है बल्कि स्वस्थ व्यक्ति भी इसको कर सकता है। 7-8 साल से बड़े बच्चों को भी डेली योगा अभ्यास कराया जाए, उनका शरीर संतुलित रहता है। सूर्य नमस्कार का आप उनको अभ्यास करा सकते हैं। सूर्य नमस्कार जो है बॉडी की ओवरऑल एक्सरसाइज है, बच्चों के लिए, यंग एज के पर्संस के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। बाकी बड़े बुजुर्ग भी कर सकते हैं। इसमें 12 स्टेप्स आसन के रहते हैं, उससे पूरी बॉडी की मसाज हो जाती है, एक एक ऑर्गन की मसाज हो जाती है। वजन कम करने के लिए, मोटापे के लिए सूर्य नमस्कार के शुरुआत में 4-5 साइकिल से आप शुरू करके धीरे धीरे 12 साइकिल तक जा सकते हैं। एक सूर्य नमस्कार के अंदर 13 कैलोरी जो एक साइकिल में बर्न हो जाती है। तो इस तरह अपने शरीर के हिसाब से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करा सकते हैं। बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन है, वृक्षासन है, इनका डेली अभ्यास कराया जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। कोविड काल ने तो योगा की डिमांड और बढ़ा दी है। योग शिक्षक जो पहले सिर्फ अपनी छोटी सी क्लासेज चला रहे थे, अब ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। तो जिनके पास समय की कमी है, बाहर नहीं जा सकते थे, वो भी ऑनलाइन क्लासेज ज्वाइन
कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस में 10 गुना तक बढ़ गए हैं। तो योगा एक ऐसा काल था जिससे घर से योगा जो है कोविड के समय में शुरू हुआ, उस समय लोग बहुत सारे मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, उससे भी राहत दिलवाने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। भारत सरकार के द्वारा और हरियाणा सरकार के द्वारा जो आयुष डिपार्टमेंट है, इसने कोविड केयर के सेंटर्स के अंदर भी योगा करवाया है। उस समय जो कोरोना से ग्रस्त मरीज थे, अकेले रह रहे थे, आइसोलेशन में रह रहे थे, तो उनको मानसिक रूप से स्टेबल रखने के लिए भी ये योगा काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है। और अब तो इसके साथ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी जोड़ दिया गया है। अब ओलंपिक्स में भी योगा को जो है आगे लाने की तैयारियां भारत सरकार की चल रही हैं। तो ये जो है ओवरऑल स्पोर्ट्स के साथ भी इसको अटैच कर दिया है। बहुत सारे योग शिक्षकों की भी भर्तियां की जा रही हैं जो कि इसकी इम्पोर्टेंस को दिखा रही हैं ताकि लोगों को सेंसिटाइज हो जाए। 100 दिन पहले से ही योगा का एक कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इसका भी मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, उनको योग के प्रति जो है आकर्षित किया जाए ताकि वो घर घर तक योग इस पहुंच पाए। योगा एक मानसिक और शारीरिक संतुलन देता है। 21 जून को ही यह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसमें सूर्य जल्दी उदय होता है और शाम को भी लेट को अस्त होता है। तो उत्तरायण जो चल रही होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन दो हमारे आयन होते हैं, तो उत्तरायण का यह समय होता है। इस समय जो सूरज होता है अपने प्रचंड उस पर होता है, सबसे तेज एनर्जेटिक जो डे माना जाता है, इसीलिए हर वर्ष 21 जून को यह मनाया जाता है। और इसके अंदर लगातार वृद्धि हो रही है, लोग अब धर्म जाति से उठकर हर समाज के लोग इसको कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल भारतीय है, अब बहुत सारे अदर कंट्रीज ने भी इसको अपना लिया है, वहाँ भी यह मनाया जा रहा है। तो ये हमारे सब के लिए एक हर्ष का विषय है। धन्यवाद। इसी प्रकार की और भी स्वास्थ्य और हेल्थ आयुर्वेद संबंधी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।